हिमाचल में 12 नवंबर को 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, रैलियों के माध्यम से चुनाव में जीत की हुंकार भर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल में मोर्चा संभाला हुआ है। बिलासपुर में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया। रैली से अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप लगाया। कोई नए और बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए? ला के करूंगा क्या? चार चार साल तो कांग्रेसियों से लड़ना पड़ता है जो रुकवाते हैं। हम एम्स लाए, पीजीआई लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, ट्रिपल आईटी लाए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, रेलवे लाइन लाए, वंदे भारत एक्सप्रेस भी लाए, लेकिन इन्होंने केवल रुकवाने का काम किया, विरोध करने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की जनता के सामने हिमाचल में चल रही डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों को रखा। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर को दी एम्स की सौगात पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। प्रदेश में हर कोई अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अब 12 नवंबर को हिमाचल की जनता तय करेगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी।